बक्सर मिनी काशी महर्षि विश्वामित्र जी की तपोस्थली और श्री रामचंद्र जी का शिक्षा स्थली कहे जाने वाला बक्सर धाम की पवित्र छवि को संवारने में हमारे ऋषि मुनियों को सैकड़ों वर्ष लगे होंगे, लेकिन आज के परिवेश में कलयुगी लोग इस पवित्रता को बड़े ही घिनौने तरीके से बेच रहे हैं। बात करते हैं बक्सर के मुक्त धाम की, तो यहाँ कालम ये है, अगर किसी अमीर के घर का कोई व्यक्ति मरता है तो भले ही इस जगह पर मुक्ति हो, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति के घर के सदस्य मरने वाला है तो वो व्यक्ति बरबस ईश्वर से यही आराधना करता होगा, हे प्रभु हम लोग मरने के बाद अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए अभी हमारे बीच मौत का वारंट लेकर मत आइएगा। बक्सर के मुक्ति धाम में दाह संस्कार के नाम पर लूट मची है। एक लाश के अंतिम संस्कार में 15,000 से लेकर 20,000 रुपए का खर्च आता है। ऊपर से मुखाग्नि देने वाला कर्मी की मनमानी अलग। शमशान घाट पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं। ऐसे में अगर मर गए तो परिवार के लोग परेशान ही होंगे। परेशानी की वजह यह है कि अंतिम संस्कार कराने वाले व्यक्ति द्वारा मृत परिवार के परिजनों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। नहीं देने पर परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है। परिजनों से उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार राशि निर्धारित कर दी जाती है। ये राशि 5100 से लेकर 51,000 तक हो सकती है। घास काटने और पंचकाठी के समय भी डोम राजा द्वारा काफी मोल भाव बहस के बाद मुखाग्नि दी जाती है। सरकार देती है 3,000, खर्च हो जाता है 30,920। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु पर बिहार सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जबकि घाट की व्यवस्था देख रहे लोग एक आम आदमी से इसका 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करवा देते हैं। कर्ज लेकर अंतिम संस्कार कराने की नौबत आ जाती है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। कि कोई भी व्यक्ति जिसका मान लीजिए कि दवा दारू में ज्यादा खर्च हो गया और वहाँ जाते ही बेचारा परेशान ऑलरेडी रहता है, और वहाँ जाकर लोग उसको परेशान करते हैं, ये तो दुखद है। जिला प्रशासन से क्या करना चाहिए? जिला प्रशासन लकड़ी का रेट तय कर दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र का रेट तय कर दिया, तो ये मृतक के भी दाह संस्कार का एक रेट तय हो जाए। और प्रशासन इस पर कई बार संज्ञान भी ले चुका है, लेकिन वहाँ मनमानी हो ही जाती है। आपका परिचय सर? रवि राज, समाज सेवी, बक्सर।